तो स्टूडेंट्स, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना सीखा एक हॉलो स्फीयर के लिए, एक सॉलिड स्फीयर के लिए और ऑब्वियसली पॉइंट मास के लिए भी। तो अब जरा दोबारा लौटते हैं द रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। इस पर दोबारा लौटते हैं जरा। बीच में मैंने उसको समझ इस ये ड्राइव करने के बाद मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना चला गया था फॉर डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज। तो अगर हम नोटिस इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज इट जी सॉरी डेल्टा वी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाज माइनस का जी डॉट डी आर आर वन से आर टू। ये हमने निकाला था। हम उसको बोलते थे दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइन इंटीग्रल, है ना, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हम बोला करते थे। और इसको अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इट वॉज डी वी इक्वल्स टू माइनस का जी डॉट डी आर। ये हमारे पास रिलेशन आया था ना। अब हम थोड़ा आपको इसको खोल के दिखाते हैं कि खोल के क्या हो जाता है, माइनस आता है प्लस आता है, ये सब बता देते हैं। पहले थोड़ा सा आसानी समझने के लिए देखते हैं जरा। ठीक है, हमारा अर्थ है, सपोज दिस इज दी अर्थ। सपोज किसी आर की दूरी पर हमारा जो मास रखा है एम नॉट और अर्थ हमारा एम एस है, मास रखा हुआ है और अर्थ की वजह से इधर की तरफ होगी। सपोज ये पॉइंट पी है जी पी, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड तो अट्रैक्टिव है ना, ये अपनी तरफ खींचती है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस जो है वो डी आर है। ये मजबूरी है क्योंकि डी आर हमेशा डी आर इज ऑलवेज एन इंक्रीमेंट, इज ऑलवेज एन इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इन आर। डी आर कभी नीचे नहीं आएगा, हमेशा इट्स एन इंक्रीमेंटल डिस्टेंस इन आर, इट इज ऑलवेज टेकन अवे फ्रॉम आर। तो ऐसे में दो तरह के वर्क डन होते हैं। एक तो होता है वर्क डन बाय फील्ड, ये भी हो सकता है। क्या बोलेंगे इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब फील्ड कौन है, ग्रेविटी डॉट डी आर। वी कैन से अ स्मॉल वर्क डन एंड वेन वी ओपन इट क्या मिलेगा हमें, एफ जी डी आर। और क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटी का फोर्स नीचे और डी आर ऊपर है। वील कॉल इट कॉस 180 डिग्री। जब हम इसे खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है, एफ जी डी आर माइनस वन। सो डी डब्ल्यू हो जाता है माइनस का एफ जी डी आर। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है डी डब्ल्यू का। अब इसे और फर्दर खोलते हैं। इस साइन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। ये आपको इतने क्लैरिटी से साइन शायद ही कहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा जगह पर मैंने भी देखा है, बहुत प्रॉब्लम होती है साइंस को लेकर, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आउट करना चाह रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू बाय द फील्ड कह रहा हूँ मैं, बाय द ग्रेविटी, यहाँ पे जी का मतलब ग्रेविटी द्वारा किया हुआ काम। सो वी गॉट माइनस का एफ जी डी आर। अभी कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, साइन वेक्टर हार्ट वेक्टर जा चुका है। नाउ अगर हम इसे ओपन करें तो हमें एक चीज़ मिलेगी यहाँ पे, या फिर हम एक चीज़ यहीं पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि हमारी जो अर्थ थी, हमने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से पी पॉइंट से ऊपर ले गए, सपोज डी आर, ये इसको क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो हमारे आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो एम नॉट है उसको यहाँ से यहाँ ले जाने पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? ऑब्वियसली हम विदाउट एक्सेलरेशन लेकर जाते हैं। अब ये भी जान लीजिए विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम जो है, हमने बताया भी था, ये या तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है या काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है या दोनों में चेंज होता है।
ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाएं सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दिखाए, इसीलिए हम इसकी अंदर एक्सेलरेशन नहीं लाने देते। इसीलिए हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स होता है जो इधर की तरफ लग रहा है इसको ऊपर ले जाने में, वो हमेशा ग्रेविटी के बिल्कुल बराबर होगा, और ताकि एक्सेलरेशन हो ना, स्पीड में चेंजेस आए नहीं और काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आए। हम चाहते हैं प्योरली जो वर्क है हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज दिखाए और किसी में नहीं, इसीलिए हम इसमें विदाउट एक्सेलरेशन लेकर चलते हैं। तो लिख लेते हैं नोट, वी टेक द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन सो दैट देर इज नो डेल्टा के ई। ठीक है, चलिए, तो ये राइज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ अगर यू वन है और यहाँ यू टू है तो यू टू माइनस यू वन जो है वो तो पॉजिटिव आएगा ना, और वो छोटा सा है, तो लेट्स राइट कि डी यू जो है वो तो पॉजिटिव है। यस और नो? डी यू पॉजिटिव है, और जहां पे वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है प्योरली नेगेटिव टर्म है। तो अगर डी यू पॉजिटिव और डी डब्ल्यू प्योरली नेगेटिव टर्म है और डी यू और डी डब्ल्यू के बीच में कोई रिलेशन निकालना ही है तो हमें माइनस का डी डब्ल्यू लिखना ही पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव आ जाए। और फिर हम नोटिस करें कि अगर डी डब्ल्यू की बात करें, माइनस लगा दिए तो प्लस हो गया है, सो उसको खोल के देखें, माइनस का एफ जी डी आर, यहाँ पे एफ जी मल्टीप्लाई नहीं, थोड़ा बड़ा लिख दिया है, यहाँ एफ डी आर ही है, तो डी यू क्या हो जाएगा, प्लस का एफ जी डी आर, ये हमारा रिलेशन आ गया। जैसा कि स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पहुँच गए डी यू इक्वल्स टू एफ जी डी आर। अब मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी इसको खोल लीजिए जी, अब क्योंकि वेक्टर्स तो हट गए हैं तो प्योरली हम नंबर से बात कर रहे हैं। जी एम एस एम नॉट बाय आर स्क्वायर, आई हैव टेकन एम एस एंड आई हैव टेकन एट सम डिस्टेंस आर नॉट आर एम नॉट, सो ऑब्वियसली द फोर्स इज रिटन एज जी एम एस एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग हियर एन डी आर। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आने वाली है। एंड देन वी कैन टेक जी एम एस एम नॉट, हम इंटीग्रेट करेंगे 1 बाय आर स्क्वायर डी आर। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट R1 टू R2 एंड आई विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। से फ्रॉम पॉइंट R1 पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी U1 है और R2 पे पोटेंशियल एनर्जी U2 है, सो वी गेट U2 माइनस U1 एंड वील सी वेदर इट इज अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव। वील सी दैट एम एस एम नॉट 1 बाय माइनस 1 बाय आर, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर जो होता है वो -1 बाय आर होता है। नाउ U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू जी सॉरी R1 टू R2। तो जब भी नेगेटिव साइन अंदर होता है हमेशा लोअर लिमिट पहले लिखते हैं और अपर लिमिट बाद में लिखते हैं। U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू GMSM0 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं, जरा देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे। U2 माइनस U1 इज इक्वल्स टू जी एम एस एम नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। सो इफ सपोज दिस इज दी अर्थ, अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा क्लियर रहता है, एंड आई हैव अ बॉडी एट अ डिस्टेंस से R1 एंड दैट सपोज दैट बॉडी इज ब्रॉट टू अ डिस्टेंस से R2, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2 और ये नीचे कैसे आ रही है, ये नीचे ग्रेविटी की मदद से आएगी ना, हम तो लेके नहीं आ रहे, तो अगर हम इसको अपने हाल पे छोड़ दें तो ये नीचे आएगी। इन दैट केस ग्रेविटी विल ब्रिंग इट फ्रॉम R1 टू R2, सो ब्रॉट इज सो बॉडी इज बिंग इज कमिंग फ्रॉम R1 टू R2, दैट मीन्स R1 इज ग्रेटर देन R2 एंड दैट बट नेचुरल 1 बाय R1 इज लेस देन 1 बाय R2 एंड वी गेट अ नेगेटिव आंसर। When I get a negative answer, that means potential energy decreases. So that means U2, अब ये term right hand side है, ये left hand side है. That means U2 minus U1 has become negative. Okay? So हमारा निष्कर्ष conclusion ही निकलता है. Conclusion ये निकलता है finally इस expression से that gravitational field always acts in that direction where
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, ये हमने आपके सामने साबित किया कि अगर हम ग्रेविटेशन फील्ड पे छोड़ दें उसका काम, तो वो नीचे आएगी बॉडी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दैट केस वी कैन राइट लाइक दिस, डी यू इज इक्वल्स टू, इफ आई टेक टोटली एफ टू बी ए पॉजिटिव टर्म, एफ एक पॉजिटिव टर्म है और डी आर एक पॉजिटिव टर्म है। हमने पहले बोला कि डी आर हमेशा इंक्रीमेंट होता है, और एफ को हम वेक्टोरियली स्केलरली फॉर्म में लिख रहे हैं, तो स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसमें से ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जी एम एस एम नॉट और आर स्क्वायर जो उसको नेगेटिव बना सके, तो एक माइनस साइन लगाना ही पड़ेगा। और ये जो फोर्स है ये ग्रेविटी फोर्स है, यानी कि फील्ड फोर्स है। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, माइनस का डी यू बाई डी आर। ठीक है, तो यहां इस तरीके से लिखना बहुत जरूरी होता है। इस चीज को हम अंग्रेजी में लिखते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको मैं आगे बढ़ाएं, अगर ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन होता है फिजिक्स में, दैट एफ जी इज माइनस का डी यू बाई डी आर। और एक जगह बल्क प्रॉपर्टी में मैं इसको यूज भी करूंगा, देखना। एनीवेज, एफ जी इज माइनस का डी यू बाई डी आर आ गया आपके सामने। और अगर हम दोनों ही चीजों को अगर हम डिवाइड कर दें मास से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एम नॉट, तो क्या निकल के आएगा, एफ जी बाय एम नॉट यहां आएगा माइनस डी यू बाय डी आर इंटू वन बाय एम नॉट। तो आप भूले नहीं कि इस चीज को ग्रेविटेशनल फील्ड बोला गया था, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को बोला गया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, माइनस का डी वी बाय डी आर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको बोलते हैं दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट था, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दैट अगर हम वेक्टोरियल लिखेंगे माइनस का डी वी बाई डी आर, तो यहां हमें आई कैप लगाना पड़ेगा कि जो वोल्टेज है, सॉरी जो पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उस पर हम वेक्टर नहीं लगा सकते। तो हमें आई कैप कोई भी एक डायरेक्शन निर्धारित करनी पड़ती है। और इसकी बात करें तो इसका मतलब ये निकलता है दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन वेयर पोटेंशियल डिक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, तो ऐसे ही हम बोलते नहीं है कि यार नीचे आओगे तो पोटेंशियल घट जाएगी एमजीएच का सहारा लेकर। उनके पीछे की वजह ये है कि ग्रेविटेशन फील्ड, बताओ कहाँ लगती है ग्रेविटेशन फील्ड, नीचे की तरफ ही तो लगती है, कैसे पता चला, कूद के देखो नीचे आ जाओगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा नीचे की तरफ लगती है, तो पोटेंशियल भी घटती ही नीचे की तरफ है, इसीलिए ये है रीजन इसके पीछे। इतने सारी जो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं वहां से ये रीजन निकल के आता है कि ग्रेविटेशन फील्ड नीचे की तरफ लगती है और पोटेंशियल भी घटती नीचे की तरफ है, क्योंकि माइनस साइन ही दिखा रहे, तो माइनस साइन की सिग्निफिकेंस है ये, दैट ग्रेविटेशन फील्ड इज ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन और पोटेंशियल डिक्रीजेस। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट दिस। और यहां से फिर हम आगे पढ़ते हैं यहां की तरफ, दैट डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का जी डी आर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसकी मदद से हम आपके पास जितने भी ग्रेविटेशन फील्ड के डेरिवेशंस कराए थे, फिर हमने ग्रेविटेशन पोटेंशियल के डेरिवेशंस कराए। आपने देखा ग्रेविटेशन फील्ड के डेरिवेशंस तो खासा पड़े थे, जैसे एग्जाम्पल ग्रेविटेशन फील्ड के डेरिवेशंस में हमने रिंग ली थी और काफी लंबा डेरिवेशन किया था, फाइनली वी केम टू अ फाइनल आंसर दैट एक हॉलो स्फीयर के लिए आंसर आ रहा था माइनस का जी एम बाय आर स्क्वायर। फिर हमें ये ग्रेविटेशन ये फील्ड की बात चल रही है यहाँ पे, फिर हमने पोटेंशियल के लिए किया, अब पोटेंशियल के लिए भी हमने वही तरीका अपनाया और फाइनली आर की दूरी पर सेंटर से हमारा आंसर आया वी इक्वल्स टू माइनस का जी एम बाय आर। तो इस तरीके से, या यू कहिए फिर आपने सॉलिड के लिए किया था, है ना, सॉलिड के लिए आपने किया, तो फिर आपका वही जैसे आंसर आया माइनस का जी एम बाय आर स्क्वायर आउटसाइड आया,
आउटसाइड पॉइंट के लिए, सरफेस के लिए इसको आउटसाइड पॉइंट लिख लेते हैं, सरफेस के लिए आया माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इनसाइड पॉइंट यहाँ पे कहीं अगर निकालना हो, कहीं पे भी यहाँ निकालना हो तो आंसर आया था माइनस का जी एम एक्स अपॉन, मतलब सर वेक्टोरियल लिख रहा हूँ मैं तभी माइनस साइन आ रहा है, आई कैप लगाते चले जाओ, और ये दिस वॉज आई थिंक आर क्यूब। ठीक है, वैसे तो आप सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो कोई लॉजिक नहीं बनता माइनस लगाने का, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता और जी नेगेटिव नहीं है और डिस्टेंसेज हैं सारे, इसलिए अगर आप माइनस लगा रहे हो तो दिया वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ रहा था, लेकिन एट द सेम टाइम आपने जब डेरिवेशन पोटेंशियल के लिए किए तो फिर से आपने सॉलिड स्फीयर लिया, फिर से आपने पोटेंशियल के लिए डेरिवेशन किए तो वो बहुत लंबे चले गए डेरिवेशन, इसके लिए आपको करना पड़ा, आपको याद होगा मैंने वी वन, और अगर इनसाइड पॉइंट की बात करें, चलो बाहर तो ईजी था और सरफेस पे भी ईजीली निकाल लिया था, लेकिन अगर इनसाइड पॉइंट की बात करें तो आपने कैसे किया था, अंदर के लिए वी वन और आउटर रीजन के मास के लिए वी टू, दोनों को ऐड किया था। पता है आप अगर ये एक्सप्रेशन यूज करें तो आपका ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको बताते हैं कैसे करना है इसको।